गांधी जयंती के अवसर पर महाराजगंज में स्वच्छता अभियान जोर शोर से चलाया गया है। इस दिन महात्मा गांधी की याद में स्वच्छता और सेवाओं के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह ने इस विशेष अवसर पर सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लिया, जिससे उन्होंने स्वच्छता के महत्व को उजागर किया है। स्वच्छता अभियान के पहले थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह, एसआई राजनंदनी और डायरेक्टर सीओ पुनुस ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। साथ ही महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सेंट जोसेफ स्कूल में गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा के बैनर तले जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान में थानाध्यक्ष, एसआई और स्कूल डायरेक्टर, सीओ पुरुष, छात्रों और शिक्षकों ने थाना परिसर और मुख्य सड़क के साथ आसपास की जगह की सफाई की है। सेंट जोसेफ स्कूल ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए शिक्षा के साथ मिलकर अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने की अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सेंट जोसेफ स्कूल शिक्षा देने के साथ स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत का सपना साकार और नागरिक मिलकर शहर को साफ सुथरा बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के खास मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और आज इस मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ साथ सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज में इस अभियान में शामिल हुए हैं। छात्रों ने शहरवासियों को संदेश देकर जागरूकता अभियान चलाया है कि अपने अपने आसपास सफाई रखें, जिस तरह अपने को साफ रखते हैं उसी तरह अपने आसपास साफ सुथरा रखें और शहर को स्वच्छ बनाकर सहयोग करें। सेंट जोसेफ स्कूल के सभी छात्रों ने स्वच्छ शहर बनाने में काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सर, आज बापूजी की जयंती है और वहीं पर आज सेंट जोसेफ स्कूल आज स्वच्छता अभियान पर निकला हुआ है स्कूली बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ। सर, मैंने समाज में स्वच्छता के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता ही आज का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ समाज हो, स्कूल हो या सार्वजनिक हो, सभी जगह पर मुझे सफाई को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। उससे हर तरह का बीमारी उसी से ही शुरुआत होती है, तो ये अगर साफ सुथरे रखेंगे बहुत से बीमारियां हमारे यहाँ से जा सकता है। सर, समाज को क्या कुछ संदेश देंगे? सभी लोग अपने घर को, अपना अगल बगल जो भी इलाका है अपना साफ सुथरे रखें, कूड़ा कचरा रोड पर ना फेंकें, जहाँ तक हो अपने जमीन में ही अपना कचरा रख दें, रोड पर। आज अपने स्कूल की तरफ से आज स्वच्छता अभियान में आए हुए हैं नगर पंचायत महाराजगंज को सफाई अभियान में, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? टुडे वी आर हियर फॉर एन स्वच्छता अभियान और क्लीन इंडिया मिशन। दिस इज आवर कैंपस। इन दिस कैंपस वी टॉट ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द इंडिया दैट वी मस्ट नीड टू क्लीन आवर सराउंडिंग एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी प्लेस। This is not important that each and every place is not clean. That means we are not cleaning that. We must need to clean and also tell others that you please come and join us in this program. I please request each and every person of the India, each and every student of our school, please join us and help us to cleaning our surrounding. This will help us for removing each and every kind of diseases in our country. This is the best time to joining us. Thank you. हमें सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा अगर हम अपने समाज को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो। अगर हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा समाज खुद ब खुद स्वच्छ होने लगेगा और ये बहुत मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए कि हम अपने समाज को स्वच्छ रखें। और 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। ये महात्मा गांधी का वर्षों से सपना था पहले से स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट करने का, बट अब नहीं हो पाया, बट नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसके माध्यम से अभी तक इंडिया में भी आधा से ज़्यादा तो क्लीन हो ही चुका है और हमें और भी भारत को क्लीन करना चाहिए। तो भारत को क्लीन करना चाहिए तो हमें स्वयं को क्लीन करना चाहिए। थैंक यू।